हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 के जीके विषय में हम अध्याय 7 द एनवायरनमेंट क्विज, अध्याय 8 ग्रीन एनर्जी और अध्याय 9 वंडर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तीन चैप्टर जो है इसी एक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर हैं और आइए अब इन चैप्टर्स को, छोटे छोटे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको तीन चैप्टर जो है पढ़ाए जाएंगे। चलिए द एनवायरनमेंट क्विज के बारे में आते हैं। ठीक, आर यू अर्थ फ्रेंड, क्या आप पृथ्वी के मित्र हैं, फ्रेंड है? सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दिस एनवायरनमेंट क्विज। पर्यावरण प्रश्नोत्तरी का उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर टिक करें। ठीक है, अब इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो राइट आंसर ऑप्शन हो उसी पर टिक करना है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है कि कौन सा है, 5 जून, 5 जून। ठीक, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 2011 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 2011 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसका थीम क्या था? उसका थीम था ऑप्शन सी, फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द भोपाल गैस ट्रेस्टी टूक प्लेस ऑन 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो किस सन में हुई थी? 1984, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं 4th, विच कंपनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल थी? वो थी यूनियन कार्बाइड, ऑप्शन सी। ठीक, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के जलने पे कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। विच कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द एस्ट्रिक्स सीरीज लव ट्रीज, इसका ऑप्शन क्या है? डॉगमेटिक, ये जो है प्यार करता था किसको? पेड़ पौधों को। ठीक है, विच कंट्री सफर्ड ए डिवेस्टेटिंग सुनामी इन 2011, कौन सी कंट्री में जो है 2011 में डिवेस्टेटिंग सुनामी आई थी? भाई जापान में आई थी, जापान में बहुत ज़्यादा सुनामी आती है। ठीक है, विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इसका राइट आंसर क्या है? सी, गोल्डन टॉड। गोल्डन टॉड जो है ये मेढक की प्रजाति है। ठीक है, एम्फीबिया है, ये पानी में और ज़मीन पे, यह दोनों जगह पे जीवित रह सकते हैं। विच ऑफ दिस कैन कॉज एन ऑयल स्पिल, ए लीकिंग शिप, ए ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है 10, व्हाई डू बर्ड्स डाई इफ देयर फेदर गॉट कोटेड विद ऑयल, यदि पक्षियों के पंखों पर जो है ऑयल पड़ जाता है तो वे क्यों डाई हो जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? तो वो क्यों मर जाते हैं? ऑप्शन ए सही है, दे गेट पॉइजन्ड व्हेन ट्राइंग टू क्लीन देमसेल्फ विद देयर बीक्स, जब वे अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, वो जहर के रूप में बदल जाता है वो तेल, ठीक है, पॉइजन के रूप में, इसलिए वो मर जाते हैं। अब आते हैं हम 8 चैप्टर ग्रीन एनर्जी के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एनर्जी की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारे एनर्जी के सोर्स हैं वे बहुत ही लिमिटेड हैं, वो फिनिश भी हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे सोर्स हैं जो कभी फिनिश नहीं हो सकते, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, इमेजिन व्हाट वी हैपन व्हेन द अर्थ यूजेज अप इट्स रिजर्व ऑफ कोयल, पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, हाउ विल कार्स, प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑल ओवर व्हीकल्स रन। कल्पना कीजिए कि जब पृथ्वी पर जो है कोयला, पेट्रोलियम, तेल और नेचुरल गैस के अपने भंडार रिजर्व हैं भाई, ठीक है, और इनके बिना जो है हमारे व्हीकल, हमारे जो है ट्रेन, प्लेन्स, कार्स, ये सब कैसे चलेंगे? हाउ
विल वी कुक आवर फूड, हम अपने भोजन को कैसे पकाएंगे। हाउ विल जनरेटर्स एंड हैवी मशीन वर्क, कैसे जो है जनरेटर और हैवी मशीन वर्क करेंगे। क्लियरली विल नीड टू हार्नेस एंड डेवलप द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर। रीड अबाउट सम सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हेयर। हमें प्रकृति में मौजूद जो रिन्यूएबल एनर्जी है जो फिर से चार्ज हो जाती है, चार्जेबल, ठीक है, उनके सोर्सों को हमको प्रेजेंट में यूज़ करना है, उनको डेवलप करना है, विकसित करना है, ठीक है। उन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम जो है जानेंगे आज, ठीक है। आइए पहले एनर्जी के बारे में जानते हैं। द सन हैज़ प्रोड्यूस एनर्जी फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द सन्स रेज दैट रीच ऑन द अर्थ। इट कैन बी चेंज इन टू थर्मल और हीट एनर्जी एंड यूज टू हीट होम्स एंड वाटर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर पावर प्लांट। फाइंड आउट हाउ ए सोलर कुकर वर्क्स। आपको पता है सूर्य जो है अरबों वर्षों से जो है ऊर्जा का, एनर्जी का उत्पादन किया है, ठीक है, और यह हमेशा करता भी रहेगा, ठीक। सौर ऊर्जा जो है ये कहाँ से मिलती है, सूर्य की रेस से, सन रेस से मिलती है, ठीक है। ये पृथ्वी पर पहुँचती है, इसको, इसके जो थर्मल है, जो इसकी गर्मी है, उसको हम एनर्जी के रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी सहायता से हम जो है पानी को गर्म कर सकते हैं, ठीक, घर को अपने हीट रख सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी बदल देते हैं, किसकी सहायता से, फोटोवोल्टेक किस सेल की सहायता से, जिसको सोलर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, जो सौर ऊर्जा लगाई जाती है छतों पे, उसी के सहारे से हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, क्या करना है, आपको पता लगाना है, फाइंड आउट हाउ ए सोलर कुकर वर्क, आपको पता लगाना है कि सोलर कुकर कैसे वर्क करता है, ठीक है। आते हैं सेकंड पे। सिंस द एंशिएंट टाइम पीपल हैव ट्राइड टू यूज विंड एनर्जी टू ग्राइंड क्रॉप्स, टू पंप वाटर एंड टू कट वुड एट सॉ मिल्स। इवन टुडे विंड मिल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी कंट्रीज। विच कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ विंड मिल्स। फाइंड आउट हाउ मैनी विंड मिल्स आर यूज देयर। प्राचीन काल से ही, एंशियंट टाइम से ही लोगों ने पवन ऊर्जा का उपयोग फसलों को पीसने में, काटने में और उनकी सिंचाई करने में, ठीक है, लकड़ी काटने में करते आ रहे हैं। आज भी पवन चक्कियों का उपयोग कई देशों में क्या करना है, बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस देश को पवन चक्कियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, आपको ये पता करके बताना है, ठीक है। और वो कैसे जो है, वे कैसे पवन चक्कियों का उपयोग करते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। बायोमास एनर्जी कम फ्रॉम लैंडफिल और रबिश डंप्स। मोस्ट ऑफ द रबिश दैट वी डंप इज बरीड इन द ग्राउंड। एज इट रॉट्स इट जनरेट्स ए गैस विच कैन बी यूज एज रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी। दिस गैस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन मैनी इंडियन विलेजेस बायोमास एनर्जी इज यूज फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड अदर पावर नीड्स। बायो ऊर्जा के बारे में जानते हैं, बायोमास ऊर्जा के बारे में, ठीक है। अधिकांश कूड़ा जिसे हम डंप करते हैं, गाड़ देते हैं ज़मीन में, ठीक है, और जिसको हम जला देते हैं, उससे हमें गैस मिलती है, ठीक है, और उसी गैस को हम क्या कहते हैं, बायोमास एनर्जी या ग्रीन एनर्जी। आपको गोबर पता है ना, गाय भैंसों का, उससे देखते हो गोबर गैस बनती है ना, वो सब क्या है, बायोमास एनर्जी है, ठीक है। बायोमास एनर्जी का यूज खाना पकाने में किया जाता है, गोबर गैस से खाना पकाते हैं, लाइट भी जलाते हैं गाँव में, ठीक है। अब आते हैं हम भाई हाइड्रो पावर के बारे में जानते हैं।
विद्युत ऊर्जा के बारे में, ठीक। व्हेन एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर इट इज कॉल्ड हाइड्रो पावर। जब ऊर्जा को बहते पानी के बल से बनाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर, जल विद्युत कहा जाता है, ठीक है। जनरेटिंग हाइड्रो पावर इज लेस कॉस्टली देन माइनिंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड इट इज इको फ्रेंडली एज वेल। रिवर्स एंड वाटरफॉल्स आर हंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन डैम्स। हाइड्रो पावर इज द लीडिंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोवाइड्स मोर देन 97% ऑफ ऑल एनर्जी प्रोड्यूस बाई रिन्यूएबल सोर्सेस। कोयला जैसे खनन जीवाश्म ईंधन की तुलना में जल विद्युत उत्पादन कम खर्चीला होता है, ठीक है। हम जितने में माइनिंग करेंगे, खुदाई करके कोयला वगैरह निकालेंगे, उससे कम खर्चे में हम पानी से बिजली बना सकते हैं, ठीक है। और ये बिजली पानी से कैसे बनती है, ये नदियों पे जो है बड़े बड़े डैम्स जो बनते हैं, ठीक है, उसकी सहायता से हम जो है बिजली बना लेते हैं, ठीक, टरबाइन मशीन लगा के। और पूरे पृथ्वी पे 97% जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है इसी से, हाइड्रो पावर से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। व्हेन वाटर फ्लोज ओवर हॉट रॉक अंडरग्राउंड हॉट वाटर एंड स्टीम आर क्रिएटेड विच एस्केप टू द अर्थ सरफेस थ्रू मड पोल्स हॉट स्प्रिंग्स एंड गेसर्स। This hot water and steam can be used to create electricity. This is called geothermal energy. Volcanoes are also example of this energy. The Maoris of Australia have been using the hot rocks for cooking for years. Find out the importance of the ring of fire with reference to geothermal energy. जब भूमिगत चट्टानों पर पानी बहता है तो गर्म पानी भाप बनते हैं जो मिट्टी के कुंडों के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को हॉट स्प्रिंग या गीजर कहते हैं, ठीक है। इस गर्म पानी और भाप का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे जियोथर्मल एनर्जी, भूतापी ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रिन्यूएबल एनर्जी कैन आल्सो ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर क्रॉप इन सम एरियाज कॉर्न स्टार्च सुगर बीट्स सुगर कैन एंड फिच ग्रास आर ग्रोन स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस इथेनॉल ए लिक्विड विच कैन बी यूज इन इंटरनल कॉम्बिशन इंजन्स एंड फ्यूल सेल्स। Brazil has one of the largest renewable energy programmer in the world. It produces ethanol fuel from sugar cane, which now provides 18% of the country's automobile fuel. Ethanol fuel is also widely available in the USA. जो renewable energy है वे agriculture crop से भी पाई जा सकती हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ जो एग्रीकल्चर क्रॉप जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है, शुगर बीट्स हो गया, कॉर्न हो गया, इन सब से भी हम जो है इथेनॉल एक लिक्विड पा सकते हैं और इथेनॉल जो है इंजन और फ्यूल के सेल में जो है डालने का काम करता है, ठीक है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा प्रोग्रामर है, ठीक है। यह गन्ने से इथेनॉल ईंधन का उत्पादन करता है और वह देश के मोटर वाहन ईंधन का 18% इथेनॉल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इथेनॉल ईंधन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से उपलब्ध है, ठीक है। बच्चे के ये चैप्टर 8 भी फिनिश होता है। अब आइए 9 के बारे में देखते हैं। वंडर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक द टेलीफोन द सेलुलर फोन फैक्स रेडियो एंड टेलीविज़न हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर। आज के समय में कम्युनिकेशन किन किन सहायता से होता है, टेलीफोन होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, सेलुलर फैक्स रेडियो टेलीविज़न,
इन सब से होता है और इन्हीं सब के कारण पूरे विश्व को जो है छोटा बना दिया गया है। ठीक है, एक ही मिनट में हम अमेरिका में बात कर सकते हैं, तुरंत तुरंत किसी भी कंट्री में हम एक जगह बैठे बैठे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेंटर ऑफ टेलीग्राफ के बारे में देखिए, सैमुअल एबी मोर्स ये थे इन्वेंटर ऑफ टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के इन्वेंटर थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? टेलीफोन। अब आइए हम देखते हैं, हमारे 9 क्वेश्चन हैं, इसमें हमको ईयर फिल करना है। जैसे फर्स्ट स्टाम्प कब जो है पब्लिश हुआ? 1840 में। फर्स्ट पोस्ट कार्ड 1861 में। फर्स्ट डायल टेलीफोन 1889। फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट 1906, ठीक है, 1906 में। फर्स्ट एयरमेल 1919 में। फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्ट 1929 में। फर्स्ट मोबाइल फ़ोन ये किस सन में इन्वेंट हुआ था? ये 1940 में। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर 1977। फर्स्ट सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट कब हुआ था? 1979 में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू। इसकी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ के माध्यम प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।